आज हम आपको बताएंगे कि मृत्यु के बाद आत्मा कहाँ जाती है और उसका पुनर्जन्म होता है या नहीं। अगर होता है तो मृत्यु के कितने दिनों बाद होता है। पुराणों में उल्लेख है कि मनुष्य का शरीर नश्वर और आत्मा अमर है। धरती पर जिसने भी जन्म लिया है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। हिंदू धर्म में मृत्यु के बाद व्यक्ति का 16वां संस्कार किया जाता है, जिसे अंतिम संस्कार कहते हैं। हिंदू धर्म में इस क्रिया के तहत व्यक्ति के शरीर को जलाया जाता है, लेकिन सवाल है कि मृत व्यक्ति की आत्मा कहाँ जाती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के बाद व्यक्ति की आत्मा अपनी अंतिम यात्रा पर निकलती है, जिसमें उसे कई पड़ाव पार करने पड़ते हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार मृत्यु के पश्चात आत्मा को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ता है। मृत्यु के बाद आत्मा को यमलोक ले जाया जाता है, जहां उसे मृत्यु के देवता यमराज के समक्ष पेश होना पड़ता है। कहते हैं कि इस यात्रा में आत्मा को लगभग 86,000 योजन की दूरी तय करनी पड़ती है। जो मनुष्य अपने जीवन में धार्मिक कार्य करता है और किसी भी जीव या प्राणी को मानसिक या शारीरिक कष्ट नहीं पहुंचाता है, वह आसानी से यमलोक तक पहुंच जाता है। इसके विपरीत जो मनुष्य अपने जीवन में दूसरे मनुष्य को कष्ट पहुंचाते हैं, उनको यम के दूत कई तरह से प्रताड़ित करते हुए ले जाते हैं। मृत व्यक्ति के परिजनों द्वारा पिंडदान किया जाता है, जिसका आधा हिस्सा मृत व्यक्ति की आत्मा को मिलता है। अगर वह आत्मा दुष्ट प्रवृत्ति की है तो यमदूत आत्मा को पिंड नहीं देते हैं, जिस वजह से आत्मा को भूखा रहकर ही सफर तय करना पड़ता है, जबकि अच्छे कर्म होने पर आत्मा को पिंड का लाभ मिलता है और उसे सफर में परेशानी नहीं होती है। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के कर्म ही उसके पुनर्जन्म को निर्धारित करते हैं। मनुष्य अपने जीवन में अच्छे कर्म करता है तो वह सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। वहीं जो मनुष्य अपने जीवन में केवल पाप करता है, उसकी आत्मा को नरक में भेज दिया जाता है। मनुष्य के कर्मों के अनुसार उस आत्मा को यातनाएं दी जाती हैं। नरक में यातनाएं झेलने के बाद आत्मा को पुनर्जन्म मिलता है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार पुनर्जन्म मृत्यु के तीसरे दिन से लेकर 40 दिन में होता है। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, जिसमें हमने बताया है कि किस तरह इंसान का जन्म उसके कर्मों के अनुसार तय होता है और उसको कौन सी योनि में जन्म मिलता है।